अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आज हूँ बोस्तानजी मेट्रो पे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे घर के करीब है ये बोस्तानजी मेट्रो। हम लोग तकरीबन 5-10 मिनट की बस राइड से यहाँ पे पहुँचे हैं। आज दोस्तों हम लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे एक दोस्त है मिस्टर अयान अंसारी बॉम्बे से, वो आए हुए हैं यहाँ पे घर लेने के लिए और उनको एक बेहतरीन 2+1 की तलाश थी, जो कि उनका पर्पस ये था क्योंकि वो सेंटर में जॉब करते हैं, ठीक है, यूरोपियन साइड पे। उनका पर्पस ये था कि ट्रांसपोर्टेशन के करीब होना चाहिए, मेट्रो के करीब होना चाहिए, मारमराय के करीब होना चाहिए। तो हमने उनको एक बेहतरीन 2+1 लेके दिया है बेहतरीन सित्ते में। मैं आपको उस सित्ते का विज़िट कराता हूँ और आज बाद में मिस्टर अयान अंसारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये घर लेने में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए, ये गुलसुयू एरिया जो मालतेपे में है उस तरफ इनका ये घर पड़ता है। हम लोग मेट्रो लेके गुलसुयू जाएंगे, चलिए इनके घर की विजिट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग गुलसुयू मेट्रो से आप देख सकते हैं बाहर निकल रहे हैं और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा था कि मुझे मेट्रो स्टेशन से करीब घर चाहिए। तो आइए हमने उनको क्या लेकर के दिया है आपको बताते हैं। ये हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले दोस्तों, ठीक है, ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं रिदिम इस्तानबुल, हमने इसी में घर लेकर के दिया है उनको, ठीक है दोस्तों। ये जो E5 हाईवे है, बिल्डिंग का एक फ्रंट E5 हाईवे पे खुलता है। जो E5 हाईवे है दोस्तों ये यूरोपियन साइड से एशियन साइड पूरा कनेक्ट करता है। तो आपको यूरोप जाना है तो उस तरफ आप यूरोप जा सकते हैं, एशियन साइड के एंड तलक, इतना के दूसरी कंट्रीज तलक, सीरिया और इराक तलक ये हाईवे कनेक्ट करता है और यहाँ पर बल्गेरिया तलक ये हाईवे कनेक्ट करता है। अब हम लोग रिदिम इस्तांबुल का जो सिक्योरिटी डेस्क है वहाँ पे है, यहाँ पे सिक्योरिटी बैक स्कैनर वगैरह है, साथ ही में वैले की फैसिलिटी है आपके गेस्ट के लिए कि अगर वैले की फैसिलिटी आपके गेस्ट को यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। उसी के साथ ये M5 हाईवे के आसपास दोस्तों, ये सामने गुलसुयू का स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत फेमस नज़दीक में यहाँ की बड़ी कोर्ट है, अदलिया बोलते हैं कोर्ट है, नज़दीक में आइकिया है, इसी के फौरन अगले स्टेप पे, ठीक है, एक बड़ा प्याज़ा करके बड़ा मॉल है, उसमें आपको हर पॉसिबल ब्रांड जो है वो मिल जाएगा। बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट्स है, 5-स्टार होटल्स है, ये हर चीज़ है प्याज़ा में। करीब में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल भी है, कारफोर है, और इसी के साथ में रिदिम इस्तांबुल के अंदर भी काफ़ी बड़ा मॉल है, ATMs आपकी बिल्डिंग के अंदर ही है।
मैं बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में आ चुका हूँ और इमेजिन कीजिए ये आपके बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। इसमें यहाँ पे पिज़्ज़ा हट, यहाँ का सबसे फेमस यूसुफ कोफ्तेची जो यहाँ का एक मैकडॉनल्ड्स जैसा ब्रांड है। और मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने बहुत बड़ी बहुत सारी यूसुफ कोफ्तेची देखा हूँ, इतनी बड़ी यूसुफ कोफ्तेची कोई नहीं देखा हो। इस एंड से वो एंड तक आपको दिख रहा है, ये पूरा यूसुफ कोफ्तेची है। डिकैथलॉन है, बर्गर किंग है, स्टारबक्स है, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये नीचे नीचे ऑटो पार्क है, हर घर को दो दो कार पार्क है, बेसमेंट में मस्जिद है, ठीक है। ये सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मीग्रोज है, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद है। और बेसमेंट में बहुत बड़ा मॉल भी है, तो आपको हर चीज़ बेसिकली आपकी बिल्डिंग में हो जाती है। आपको कोई भी चीज़, आप एक साल तक भी अगर बाहर नहीं निकलो, क्योंकि बैंक्स भी अंदर है, शॉपिंग मॉल्स भी अंदर है, रेस्टोरेंट्स भी अंदर है, कैफ़ेज़ भी अंदर है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद में एक राउंड लगाएंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। दोस्तों मेरे साथ में है आयान अंसारी मुंबई से, जिनके लिए हमने बड़ी मेहनत करके ये 2+1 का घर ढूंढ के निकाला। और पहली नज़र में ये घर देखते साथ में आयान भाई को मतलब ऐसा है कि ही वॉज वेरी श्योर कि उनको ये घर लेना था। मैं चाहूँगा कि आयान भाई का एक्सपीरियंस इस्तांबुल में घर लेने का कैसा रहा, मैं आपको आयान भाई के मुंह से सुनाऊं कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अस्सलाम वालेकुम आयान भाई। वालेकुम सलाम। आयान भाई, इस्तांबुल में आप आए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी, आपका पूरा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी जी। ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जहाँ हमको मॉडर्न फ्लैट्स चाहिए, मॉडर्न अपार्टमेंट चाहिए था जिसके पास जिसमें फैसिलिटीज काफी हो, मेरे फैमिली को सहूलत हो,
मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है। तो हम लोग को ऐसा था कि एक 2+1 ऐसा ही थोड़ा अच्छा, एक बड़ा लग्जरी थोड़ा सा घर हो जिधर आपको सब तरह की यूटिलिटीज मिल जाएगी आपके घर के पूरा दरमियान में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंडिया से लेके टर्की का रिलोकेशन का जो पूरा जो सिस्टम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सात भाई के कांटेक्ट में है, और सात भाई ने मतलब स्टार्ट टू एंड पूरा उन्होंने पूरा हमारा टेक केयर किया है इस सब चीज में, फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू ये घर का यूटिलिटीज भरना, ये घर को फर्निश करना, पूरा पूरा A to Z पूरा इन्होंने संभाला है, इन्होंने और इनकी टीम ने पूरा संभाला है। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यहाँ लोग टर्किश बात करते हैं और हम लोगों को टर्किश थोड़ा बात करने में समझने में दिक्कत है, बट अलहमदुल्ला साथ भाई और की टीम ने मतलब हमारा कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का हर चीज में आसान हुआ है। मतलब ये घर का डीलिंग में भी वो एक इजी प्रोसेस हो चुका है। हम लोग ने इस्तानपुर में काफी घर देखे थे, बट अलहमदुल्ला साथ भाई ने हमको ये जो घर है हमारा बहुत ही बेहतरीन 2+1 है, एकदम मॉडर्न 2+1 है, और इन्होंने एकदम हमारे बजट में फिट कर दिया है। कहकर जो घर के जो ओनर थे उन्होंने काफी हमारे बजट के ऊपर कोट कर रहे थे, बट इन्होंने उनसे टर्किश में बात करके उनसे एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया कि उसने बकायदा हमारे बजट में मतलब एक ये फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह बिठा दिया। अभी आप अगर ये मेरा फ्लैट देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपके सहूलत की हर चीज है आपके घर के नीचे। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये बिल्डिंग के नीचे कारफोर है, स्टारबक्स है, घर के बाजू में आइकिया है जो आपके फर्नीचर का स्टोर है, काफी काफी जो यहाँ के रिनाउंड टॉप ब्रांड्स है जैसा डिकैथलॉन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, आप बस नाम बताइए जो भी फॉरेन ब्रांड्स है वो आपको सब ये बिल्डिंग के दरमियान में मिल जाएगी। यूसुफ कोफ्ते जी जहाँ का हमारी पार्टी ड्यू है, अयान भाई घर की हमारी पार्टी यूसुफ कोफ्ते जी में जो नीचे है, तो घर का थोड़ा काम बाकी है, फर्नीचर के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, तो वो होते साथ में हमारी पार्टी भी बिल्डिंग में ही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बेसिकली एक ऐसी जगह है कि आप यहाँ पे आ जाए, आपको बाहर जाने की कोई कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे ये अभी जो घर है, मैं अभी यूरोपियन साइड पे काम करता हूँ और मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत एक बड़ा यहाँ मसला हो रहा था, बिकॉज हमारे पास गाड़ी नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने साथ में से एक बहुत एक रिक्वेस्ट डाला था, स्पेशल रिक्वेस्ट डाला था, जहाँ मुझे आप घर दिलाओगे ना मॉडर्न घर, वो मेरे स्टेशन के बस बाहर हो जाए, स्टेशन से जितना पास हो उतना आप उतना देखिए। साथ भाई ने हमारा घर ऐसी जगह पे ढूंढा है जो स्टेशन यहाँ से तकरीबन कितना 2-5 मिनट की दूरी पे, मतलब मैं अगर मेरी फैमिली बिल्डिंग में है तो वो मुझे लिटरली स्टेशन से निकलते हुए और जाते हुए देख सकते हैं, वो स्टेशन इतना करीब है हमारे घर, मतलब लिटरली दो बिल्डिंग है बीच में और आप स्टेशन के लिए एंटर कर सकते हैं। जैसे आप हमारे इंडिया में बोलते हैं ना कि कॉर्निश, आपका जो जैसा सीलिंग हो गया, अपना मरीन ड्राइव हो गया, क्वींस नेकलेस हो गया, तो जो हमारा बहुत बेहतरीन कॉर्निश है इंडिया का वो उसके ही टक्कर का यहाँ एक कॉर्निश है जो हमारा मारमरा है, मालते पे ये सब पूरा रीजन को लगता है। जो बुयू कायदा आइलैंड, जो प्रिंसेस आइलैंड है वो भी घर से दिखते हैं, जी, 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 हमने उसकी भी इमेज डाली है। यहाँ से 5 से 7 मिनट का ड्राइव है, 5 मिनट का ड्राइव है, आप प्रिंसेस आइलैंड जा सकते हैं, मारमरा ट्रेन नजदीक है यहाँ से, मतलब मेरा एक मेट्रो यहाँ से पास में है, मारमरा की ट्रेन यहाँ से पास में है, एंड मतलब अगर मेरे फैमिली को थोड़ा एंजॉय करना है, थोड़ा इवनिंग को थोड़ा एक यू नो फैमिली का गेट टुगेदर करना है, अल्हम्दुलिल्लाह साथ मैंने वो सब चीज संभाल लिया, यही घर हमें दिला के, और हमारा पूरा गेट टुगेदर, हमारा फैमिली के गैदरिंग सब कॉर्निश पे होता है। तो आई वुड से दैट दिस इज आई थिंक द बेस्ट प्रॉपर्टी दैट आई हैव कम अक्रॉस अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बेटर प्रॉपर्टी तो मैंने अब तक मतलब मेरे बजट में है, और मतलब क्या ही बताऊं, मतलब ये बजट में अभी हो गया, मेरे फैमिली के लिए भी बेस्ट हो गया। एंड भाई हमको ये बिल्डिंग की कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताए, खास करके हम लोग बॉम्बे में जैसी बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है बिल्डिंग के अंदर, जी, जी, जी। उसके बारे में आप कुछ बताए। ये बिल्डिंग में 3 स्विमिंग पूल है, और उसमें से एक जो स्विमिंग पूल है वो तो इतना बेहतरीन है कि वो तो सीधा सी फेसिंग है, और यहाँ एक हमारा एक बहुत प्रोफेशनल जिम है नीचे, मैकफिट करके जिम है इधर इस्तांबुल में, पूरे यूरोप में बहुत फेमस है वो मैकफिट जिम।
सीधा बिल्डिंग के नीचे ही वो हमारे, यहाँ 3 प्रोसेस सिक्योरिटी है, मतलब आप ऐसे ही मतलब ये बिल्डिंगों में नहीं घुस सकते, आपको कम से कम 3 सिक्योरिटी पास से गुजरना पड़ेगा। यहाँ ऐसा है कि मेरे हर फैमिली मेंबर्स के पास एक उनका खुद का पर्सनल आईडी कार्ड है घर में घुसने के लिए, तो यहाँ कोई भी ऐसा बाहर का आदमी अंदर घर में नहीं आता। सिक्योरिटी नंबर वन घर में। दूसरी चीज ये घर में है कि आपका, पहली बात तो ये है कि घर के सीधा नीचे, बिल्डिंग के नीचे पूरा शॉपिंग मॉल है, मतलब यहाँ का इस्तांबुल में वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स यहाँ लग के है। आपका मार्केट पे प्याजा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो तो मतलब क्या ही बताओ, घर के मतलब बाजू में, मतलब बिल्डिंग को लग के ही मेरे, तो उसमें आपका आईकिया हो गया, नीचे मेरा मीग्रोस हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब है, मतलब स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, स्पा हो गया, फैमिली के लिए सलून हो गए, खाने पीने के मतलब 500 रेस्टोरेंट है आजू बाजू हमारे घर के, मैं आपको वही बता रहा हूँ। साथ भाई हो गया जी जी जो का एन भाई, इस बिल्डिंग की फैसिलिटीज के बारे में बताओ तो एक दूसरी नॉर्मल बिल्डिंग के कंपैरिजन में। जी जी जी। क्यों ये बिल्डिंग कन्वीनियंट लगने लगी हाँ हम लोगों को, मतलब क्या एडिशनल बेनिफिट्स है कि हम लोगों को ये दूसरी बिल्डिंग के कंपैरिजन में और ज्यादा इजी लगने लगी। जी साथ ना, पहली बात तो जो इस्तांबुल में हमने जितनी बिल्डिंग्स देखे हैं, ये बिल्डिंग और उनमें जो फैसिलिटीज है वो तो जमीन आसमान में फर्क है। वो उसमें ऐसा हो गया कि ये बिल्डिंग में हमारा सेंट्रलाइज्ड एसी हो गया, वो तो बहुत बड़ी चीज है इस्तांबुल में, जो आपको अपार्टमेंट्स में एसी लोग नहीं लगाते थे, तो ये बिल्डिंग में सेंट्रलाइज्ड एसी है, एसी हीटर जी, जो टेंपरेचर आपको सेंस करता है, यस 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 यस, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग भी हो गया, हर रूम में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग हो गया, हमारा पूरा कनेक्शन इधर हॉल में लगा हुआ है। हां, एक इस्तांबुल में टर्की में एक बहुत बड़ा एक चीज है, तो आपको ही पता है कि आप अपना गैस इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलिटीज है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको उसके अपने किमलिक में स्टार्ट करना पड़ता है, बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड जो 2 से 3 महीने बाद आता है जी, तो वो लोगों को काफी दिक्कत होती है कि भाई अभी कैसे स्टार्ट करना है, ये कैसे स्टार्ट करना है, ये प्रोसेस कैसा है। ये बिल्डिंग में साथ में ऐसा है, मैंने पता किया कि ये लोगों का बिल्डिंग एप्लीकेशन है जिसपे मेरा पूरा यूटिलिटीज महीने का आ जाता है, ठीक है, और मुझे वो सिर्फ हर महीने जाना है ऐप पे और भर के मेरा काम हो गया, ना मुझे मेरा किमलिक चाहिए, ना मुझे मेरा इधर अभी फिलहाल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, कहीं भी मैंने अभी किमलिक अप्लाई किया हूँ, बट उससे पहले ही मेरा ये सब यूटिलिटीज तो मतलब आपकी गैस लाइट पानी जो बेसिकली हम लोगों को अलग अलग कंपनीज में जाके एक्टिवेट कराना पड़ता है जी। आपके यहाँ हर चीज चालू है पहले दिन से, आपको खाली बेसिकली ये करना है कि ऐप पे देखना है कि आपका यूसेज कितना है महीने में, आपकी मेंटेनेंस की फीस के साथ में एक बार में आप वन शॉट में पे करते हो और आपका पूरा यूटिलिटीज आर टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल, उस बिल्डिंग के ऐप को यूज करके आप दूसरी, जैसे कि आपके घर पे कौन विजिट किया था या डिलीवरी आई नहीं आई सोसाइटी के ऑफिस को कुछ। इधर की एक और बात अच्छी है ये सोसाइटी की पूरी कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है जिसका हमारे को यू नो कम्युनिकेट करना पड़ता है वो पूरा इंग्लिश स्पीकिंग है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपको तो ये मेरे कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी हो गया, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि बार बार आपको कॉल करना पड़े यू के साथ भाई हेल्प करो साथ भाई कम्युनिकेशन, मेरी कम्युनिकेशन उनसे इंग्लिश में होती, आज भी इंग्लिश में हुई कल भी इंग्लिश में हुई, मतलब हमारा पूरा काम उनसे इंग्लिश में हो जाता है। बिल्कुल। और मतलब मैनेजमेंट में यहाँ ऐसी भी फैसिलिटी है साथ भाई कि अगर फॉर एग्जाम्पल समझो प्लम्बिंग का कुछ काम निकला, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम निकला, इलेक्ट्रिशियन का काम निकला, तो यहाँ दिक्कत ऐसी होती है कि आपको प्लम्बर कहाँ नहीं मिल जाएगा, रात को मुश्किल रहेगा समझो मिलना, आपको इलेक्ट्रिशियन मिलना मुश्किल रहेगा, फलाना कुछ मेंटेनेंस निकला तो उसका मिलना मुश्किल है। साथ ये बिल्डिंग में ना आपको इन हाउस सब मिल जाएंगे, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन, आपका कुछ मैकेनिक खराब हो गया इधर मैकेनिक कुछ खराब हो गया आपके रेफ्रिजरेटर सब लोग करके दे देंगे बिल्डिंग। बहुत एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी आयान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया और आपके एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ में। लास्ट में आयान भाई मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई आपके एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे कि अगर कोई इस्तांबुल आए तो कौन सी चीज है जिसके बारे में वो ध्यान रखे। साथ जो आपके जो व्यूअर्स है इनको तो पहला ये बताना है कि अभी हम लोग ने भी जब इंडिया में थे तो हम भी ऑनलाइन काफ़ी प्रॉपर्टीज हम देखते रहते थे, एंड ऐसा था कि हमें ये एरिया ऑनलाइन समझ में आया, फिर ये एरिया ऑनलाइन समझ में नहीं आया, बट जब हम एक्चुअल में जब इस्तांबुल में आए तो
तो ये मैं उनको बताना चाहूंगा कि मतलब यहाँ पूरा मतलब गेम ही अलग है। मतलब आपको मतलब जब तक आप यहाँ नहीं हो, आपको प्रॉपर्टी के प्राइसेस आपको नहीं पता रहेंगे, आपको वो बिल्डिंग कैसी है। जी बेसिकली ऑनलाइन जो चीजें प्रेजेंट है वो एक अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे जो हकीकत है वो अलग वर्ल्ड बिल्कुल है। बिल्कुल मतलब आप एक गली में जाओगे तो इतनी पॉश निकलेगी, और दूसरे में जाओ तो फिर वो अलग ही निकलेगी। तो वो ढूंढना, वो पूरा प्रोसेस, वो 7 भाई ने मेरा मतलब A to Z, मतलब हमारा पूरा प्रोसेस 7 भाई ने पूरा संभाले। हमको तो मतलब इतना कुछ मतलब बाहर निकल के इतना हमारे पे इतना लोड नहीं था, वो पूरे 7 भाई ने, उनकी टीम ने हमारी पूरी संभाली। और दूसरी बात ये है कि इस्तानबुल में साथ में ऐसा था कि गवर्नमेंट का काफी लीगैलिटीज काफी रहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क बहुत रहते हैं। हमारा जो रिलोकेशन का जो प्रोसेस था वो तो मतलब अलहमदुल्ला इनकी और इनकी टीम ने एकदम स्मूथली पूरा हमारा पास कर दिया यहाँ से। जजाकअल्लाह खैर आयान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपके नए घर पर के लिए मुबारक। जजाकअल्लाह।